बॉलीवुड के अभिनेता मिलिंद सोमान रन फॉर यूनिटी के तहत मुंबई से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक दौड़कर पहुंचने वाले थे। 15 अगस्त को उन्होंने इस दौड़ की शुरुआत की थी और अब आखिरकार मिलिंद सोमान स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका पदाधिकारियों की ओर से भव्य स्वागत भी किया गया, जिसके बाद मिलिंद सोमान ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की मुलाकात लेते हुए लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। बॉलीवुड के कलाकार मिलिंद सोमन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन पर मुंबई से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी के तहत निकले थे। ऐसे में कल आखिरकार मिलिंद सोमन रन फॉर यूनिटी के तहत केवड़िया कॉलोनी निकट मौजूद गोरा गांव पुल पर पहुंचे, जहां कलेक्टर नीलेश दुबे और अन्य कई पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा जब मिलिंद सोमन स्टैचू ऑफ यूनिटी के परिसर में पहुंचे तो वहां भी देशभक्ति के गानों के बीच प्रवासियों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही मिलिंद सोमान की ये दौड़ यहाँ पर समाप्त हुई और फिर उनकी ओर से स्टैचू ऑफ यूनिटी की मुलाकात ली गई। हालांकि उस वक्त उनके साथ नर्मदा राजपिपला के कई पदाधिकारी भी जुड़े। इस मौके पर मिलिंद सोमान ने बताया कि वह हर साल ऐसी दौड़ का आयोजन करते हैं, लेकिन इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनज़र उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की दौड़ का आयोजन किया और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया संकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया होने की बात भी बताई। हर साल मैं अपने आप को चैलेंज करना पसंद करता हूँ। सो इवन वन ऑफ द चैलेंजेस जो मैं हर साल करता हूँ, इसके इंडिपेंडेंस डे पे आई रन एज मेनी किलोमीटर्स एज द इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस साल मैंने सोचा था कि मैं 75 किलोमीटर्स करूंगा, बट आई थॉट बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट माइलस्टोन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कि और कुछ करना पड़ेगा। सो आई थॉट लेट मी मेक अ लॉन्गर रन, let me do it for a cause ki in the last 4-5 years people have been talking about hamare desh mein bahut sari charcha hoti hai ki unity ke bare mein ki itni diversity hai, kitne log sochte hain hum alag hain, hum ye hain, hum wo hain, wo aise hain, ye wo aise hain, lekin jaise hamare pradhanmantri ji ne kaha hai ki agar hum ekjut rahenge to hum aage jahan jana chahte hain wahan pahunch payenge, agar ek saath chalenge तो हम हमारे मुकाम पे पहुंचेंगे। एक पैंडेमिक में भी अगर हम एक साथ पैंडेमिक का सामना करें तो हम जीत सकते हैं। सो आई थॉट दैट यूनिटी इज अ गुड कॉज फॉर मी टू स्प्रेड इवन विद दिस रन, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ फिटनेस, यूनिटी। और मैंने सोचा कि अगर यूनिटी का रन करना है देन व्हाट इज द बेटर डेस्टिनेशन देन द स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो इट वॉज दैट ट्रेन ऑफ थॉट। मैंने ज्यादा स्टैचू के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं पहुंचा यहाँ पे and I actually saw the statue, सुना था statue के बारे में कि it is the tallest in the world and it is great and it is amazing, कहानियां भी सुनी थी कि इतने लाखों हमारे देश के गांव से गांव की मिट्टी को लेकर statue बना है। I think that is a great vision to make every village part of the statue of unity। तो ये सारी कहानियां, but to come in front of the statue and see it actually how powerful and magnificent it is, that is a great experience in itself. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG News आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG News की मोबाइल ऐप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।